मायापुरी का मेन रोड है और मायापुरी के मेन रोड पर ही आपको मिलेगा प्रीतम मीट वाला। कीमा मटन देख सकते हैं भाई आप, चेकआउट कीजिए, पीस चेकआउट कीजिए। और जो इसका कीमा रहता है वो मटन का ही कीमा रहता है। और ये है इनका पीस कीमा मटन का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों इस वक्त हम आए हैं मायापुरी में, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में हम आ गए। लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन ये है, मायापुरी का मेन रोड है और मायापुरी के मेन रोड पर ही आपको मिलेगा प्रीतम मीट वाला। ये वाला आउटलेट, यहाँ वाला आउटलेट जो है ये 3 साल पुराना है और 1987 से इनका जो पुराना आउटलेट चल रहा है वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में है और लगभग 40 साल इनको यहाँ पर हो गए हैं। हम आए इनके नए आउटलेट पर जो कि 3 साल पुराना है। इनका जायका आज टेस्ट करने वाले हैं हम और टेस्ट करके आप तक पहुँचाने वाले हैं। आइए चलते हैं, बात करेंगे इनसे, टेस्ट करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। भाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, कैसे हैं भाजी? बहुत बढ़िया सर। भाजी आपकी ब्रांच पर आ गए हम, दूसरी वाली ब्रांच पर जी, प्रीतम मीट वाला जी। थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स के बारे में, कैसे स्टार्ट किया था आपने? सर स्टेट से लिए स्टार्ट हमारे फादर ने करा था, ठीक है। हमारे फादर बैकग्राउंड हमारा राजस्थान से, गंगानगर से। वहाँ से मेरे फादर के फादर ने उनको बनाना सिखाया जैसेरा, फिर अम्बाला गए, अम्बाला में हमारा खुद का ढाबा था, अम्बाला में स्टार्ट करा। फिर उसके बाद दिल्ली जब शिफ्ट हुए तो फिर मायापुरी में फर्स्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट करा। तो पापा मेरे हमारे उत्तम नगर रहते हैं, वहाँ से कार्ड अपनी लेके यहाँ तक आते थे। अच्छा। फिर यहाँ से सर्व करते, फिर दोबारा कार्ड वापस लेके जाते थे। 1987 से ही पहले, पहले की बात है। तो जो इस्टेब्लिश हमारा हुआ वहाँ पर, जो कार्ड परमानेंट लगनी शुरू हुई थी वो 1987 में थी। अच्छा, तभी 1987 से पहले, हाँ उससे पहले 3-4 साल घर से आना घर से जाना वो वैसे रहता था। उसके बाद 87 में हमने वहाँ पर स्टार्ट करा, देन उसके बाद लॉकडाउन के बाद यहाँ पर यहाँ पर। अच्छा, ये जो हम नई ब्रांच में आए हैं, हाँ ये नई ब्रांच पे आते हैं लोग, वहाँ तो जाते ही हैं, लोगों को पता ही है, तो इस वाली ब्रांच में भी कवर करें। तो ये वाली ब्रांच 2020 से स्टार्ट हुई है, 3 साल हुए इसको। 3 साल इसको हुए और वो 40 साल हो गए उसको, अप्रॉक्स 40 साल। तो वहाँ स्टार्टिंग किससे हुई थी, कौन से आइटम से हुई थी? वहाँ पर मटन था, चिकन था, बस ये दो आइटम थी। देन धीरे धीरे कीमा के लिए जी हमने स्टार्ट करा, तो अभी भी वहाँ पर मटन चिकन कीमा के लिए जी तो मेन आइटम है। बाकी वहाँ पर अब तवा चिकन कर दिया, रारा चिकन कर दिया, वहाँ 3-4 आइटम मतलब तवे की आइटम चालू करी है। यहाँ पर अगर आप स्नैक्स चाहिए तो आपको मटन मर्रा मिल जाएगा, चिकन मर्रा मिल जाएगा, सीख कबाब। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों लिखा हुआ आपने। वेज तो पहले हम रखते थे। अच्छा। बट हम अपने वेज की अब अलग से, जहाँ हमारी पुरानी कार्ड थी वहाँ पर हमने वेज चालू कर दिया, तो वेज भी मिल जाएगा। वेज भी मिलता है, मिल जाएगा। मतलब जो तो लोग वेज खाना पसंद करते हैं वेज भी खा सकते हैं। हाँ जी, वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज तो है ही हमारे पास। और आइटम तो सारी आपकी कीमा मटन कीमा चिकन कीमा सारी आइटम मिल जाएगी। एक बार लोकेशन समझा दीजिए, जो आउटलेट आपका जो मेन रोड पर आउटलेट है इसकी। ये मायापुरी मेन रोड है, ये मायापुरी से अगर आप मेन मायापुरी चौक की तरफ जाएंगे, स्टार्टिंग में ही पड़ता है, लाजवंती गार्डन से आप आएंगे तो फर्स्ट हाईलाइट पार करते ही लेफ्ट में सीएनजी पंप है। मायापुरी में एक ही सीएनजी पंप है आईजीएल का, जस्ट उसके अब साथ में ही है, वहीं पे ही है। हाँ, अपोजिट में महावीर धर्म घाट है, यहाँ पर लोकेशन है। और जो पुराने वाला आउटलेट है वो तो अपना इंडस्ट्रियल एरिया में है, वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है, सुंदरबेरी मार्केट। वैसे अगर आप नेविगेशन पे डालेंगे गूगल पे, प्रीतम मीट वाला मायापुरी डालेंगे तो आप अंदर की शॉप पे जा सकते हैं। प्रीतम मीट वाला हरिनगर डालेंगे क्योंकि ये हरिनगर एरिया में, हरिनगर आया था सामने, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया मायापुरी रोड पर मायापुरी है, ये हरिनगर में आता था। हरिनगर डालेंगे मायापुरी प्रीतम मीट वाला तो यहाँ पर आपको गूगल लोकेशन भी आएगी। तो पाजी क्या खिलाएंगे आज आप? मटन रहेगा, चिकन है, कीमा के लीजिए। तो आप हमें कीमा मटन जी। और कीमा चिकन होता है इसका, जो कीमा होता है वो अपना चिकन का होता है या फिर? नहीं, मटन का ही रहता है, चिकन का डलता है नहीं। अच्छा, चिकन मटन का ही होता है जी। तो ये दोनों आप खिलाइए जी और टेस्ट करेंगे और व्यूअर्स को बताएंगे। हम आ गए हैं इस वक्त मायापुरी में। ये जो रोड आपको नजर आ रहा है ये है मायापुरी का रोड, मेन रोड है, और इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा प्रीतम मीट वाला। प्रीतम मीट वाला 1987 से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मटन की कीमा मटन इनका बड़ा ही जबरदस्त बनाया जाता है। ये जो आउटलेट है इनका दूसरा आउटलेट है, इसको लगभग 3 साल हो गए हैं और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो आउटलेट है उसको 1987 से रन कर रहे हैं ये। आइटम्स की बात करें तो भाई आइटम्स इनकी कीमा मटन की आइटम बड़ी ही जबरदस्त होती है, बहुत ही मजा आता है लोगों को खाने में इसमें। और
इतना ही ज़बरदस्त इनका चिकन भी होता है जो कि कीमा चिकन होता है, और दोनों ही आइटम काफ़ी क्लासिक होती है। इनकी आइटम्स की बात करें तो आइटम इनके पास दो तीन आइटम और रहती है, कीमा कलेजी, राइस और चावल वगैरह सब इनके साथ कीमे के साथ आपको मिल जाएंगे। अब करते हैं टेस्ट और आपको एक बार उससे पहले लुक दिखाते हैं इसकी, एक बार लुक दिखा दीजिए। आइए कैमरा क्लोज ले आइए इसका ज़रा एक बारी। कीमा मटन देख सकते हैं भाई आप, चेकआउट कीजिए, पीस चेकआउट कीजिए। और इसकी जो ग्रेवी है प्रॉपर कीमे की ग्रेवी मिलेगी आपको। ये देखिए ऊपर दिख रहा है रोगन, ज़बरदस्त लग रहा है, मज़ा आने वाला खा के। दो पीस मिलेंगे आपको, प्राइस रहेगा 220 रुपये क्वार्टर, हाफ और फुल अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। दूसरी आइटम हमने लगवाई है कीमा चिकन, इसमें तीन पीस मिलते हैं चिकन के। चिकन के पीसेस देखिए, पीसेस भी छोटे नहीं हैं, पीसेस भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बढ़िया देते हैं। और जो इसका कीमा रहता है वो मटन का ही कीमा रहता है, इसकी जो कॉस्ट है वो 200 रुपये रहती है। 200 रुपये में आपको क्वार्टर मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से हाफ और फुल ले सकते हैं। साथ में मिलेगा आपको ये सैलेड और जो रोटी रहती है 10 रुपये की तंदूरी रोटी रहती है। लच्छा पराठा भी है इनके पास, 30 रुपये का मिलेगा वो। अब इसको कर लेते हैं टेस्ट और जायका आप तक पहुँचाते हैं, इसका जायका कैसे है। देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। सबसे पहले लेते हैं अपनी तंदूरी रोटी जो कि 10 रुपये की रोटी है, कड़क रोटी है। और ये है इनका पीस कीमा मटन का, बढ़िया पीस है। और इसको लेते हैं अपना ग्रेवी के साथ। कीमे की ग्रेवी रहने वाली है प्रॉपर। बाइट लेते हैं, भाई टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि प्रीतम मीट वाला अपने आप में एक ब्रांड है भाई मीट के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कीमा चिकन रहता है, कीमा मटन रहता है। ये ग्रेवी है इनकी, मटन कीमे का है ये, और इसकी बहुत ही क्लासिक ग्रेवी है, मज़ा आ रहा है खा के। अब लेते हैं इनका कीमा चिकन। कीमा चिकन आपको मैं बता ही दिया, तीन पीस मिलते हैं 200 रुपये में। टेस्ट करते हैं, कीमा चिकन भी भाई बहुत बढ़िया है। जैसे कि इनका नाम चल रहा है उस हिसाब से इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है भाई। अगर आप मायापुरी में रहते हैं या मायापुरी में आते रहते हैं तो इनको आपको पता ही होगा कि भाई यहाँ पर पिज़्ज़ा मीट वाले हैं। अगर नहीं पता तो हमारी वीडियो देखकर यहाँ पर आइए, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको। एक इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मटन और चिकन खाने को यहाँ पर मिलेगा। टाइमिंग की मैं बात करूँ तो टाइमिंग इनकी है 12 से लेकर 4 बजे तक। जो वाला आउटलेट है ना इनका पुराने वाला 1987 से, वहाँ लंच में रहता है। और जो ये नया आउटलेट जहाँ पर हम इनका रिव्यू कर रहे हैं, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वीडियो, ये डिनर में और लंच में दोनों टाइम आपको मिल जाएगा। लंच में 12 से 4 और डिनर में 7 से 11 बजे तक आपको यहाँ पर मिलेगा। आइटम्स काफ़ी सारी है, दोनों जगह आपको टेस्ट सेम मिलने वाला है। जहाँ मर्जी आप आ सकते हैं अपने अनुसार, आप जहाँ मर्जी यहाँ पर आ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इनका सलाद लेते हैं एक बारी और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको सलाद कैसा है। ग्रीन चटनी के साथ सलाद मिलेगा, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है खा के। लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन मेन मायापुरी रोड पर 3 साल पुराने वाला आउटलेट मिल जाएगा। और पुराने वाला आउटलेट जो इनका है 1987 से, वो गूगल पर लोकेशन है उसकी और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। चैनल पर नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक और शेयर, उन सभी को टैग जरूर करें जिनको मटन और चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो इसके लिए कहीं भी चले जाते हैं खाने के लिए। तो ऐसा जायका आपके लिए हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो और उन सभी को टैग जरूर करा करो जो इस चीज़ के दीवाने हैं भाई, शौकीन हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए स्वाद के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।